फरीदाबाद से लाइव देख सकते हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वेदपाल दहमा का दफ्तर, और यहाँ ढोल बज रहे हैं, सैकड़ों लोग मौजूद हैं। अभी बताते हैं क्या खास है, देखिए। और आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र कुड्डा यहाँ पहुँचने वाले हैं, और जोरदार स्वागत की तैयारी, देखें। इधर तमाम युवा भी मौजूद हैं, देख सकते हैं, शहर के तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं। और ये देखें एमपी साहब आ गए हैं, जोरदार स्वागत, देखें। ये देखें, जोरदार स्वागत के बाद दफ्तर पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र कुड्डा। ये देखें सीनियर तो सीनियर होते हैं, ये देखें। इधर देखें शारदा राठौर, लखन कुमार सिन्हा, बताओ लखन सिंगला, शारदा राठौर, दलित नागरपुर विधायक नीरज शर्मा, ये देखें जोरदार स्वागत जारी है सांसद दीपेंद्र कुड्डा का। ये देखो हमारे युवा सम्राट, हमारे नेता, भारत की राजनीति के चमकते हुए सितारे, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, हम सब के नेता भाई दीपेंद्र कुड्डा जी और उनकी पूरी टीम, भाई लखन सिंगला जी, बहन शारदा राठौर जी, योगेश गौड़ जी, ललित नागर जी, पूर्व विधायक हमारे विधायक भाई नीरज शर्मा जी, गजराज लंबा जी, चौधरी रणवीर सिंह तेजिया जी, भाई करण डागर जी, सुमित गौड़ जी, आप सभी का यहाँ इस ऑफिस पर आने पर जिनकी गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। हम पे एक लाइन में चलने वाले आदमी है जी, पूरे फरीदाबाद के सभी सीनियर नेता यहाँ मौजूद हैं। एमपी साहब एक लाइन के चलने वाले आदमी है, आप नेता हो जी हमारे, और हमेशा आपका बीती वफादार थे और हैं और हमेशा रहेंगे। एमपी साहब एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रामायण में एक पात्र था बालीपुत्र अंगद, जिसका अक्सर बहुत कम जिक्र होता है, लेकिन वो भगवान राम का आशीर्वाद लेकर जब रावण की सभा में पहुंचता है और वहां अपना पैर जमाकर रावण के सारे वीर योद्धाओं को चुनौती देता है, अपने भगवान राम का आशीर्वाद लेकर जाता है, और उस चुनौती के स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, राम राम साहब। देखिए लखन सिंगला, परम आदरणीय लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, और मैं एमपी साहब आपका अपनी विधानसभा में आने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, और वेदपाल दहमा की भी कहता हूँ, बहुत वफादार, ईमानदार, कर्मठ और मजबूत आदमी है, और चुनावों में हमेशा कांग्रेस के लिए काम करता, आपके परिवार का सदस्य है। धन्यवाद।
एमपी साहब राम राम जी सबको हमारे बीच में हमारे बहुत ही होनहार विधायक जिन्होंने अपनी पहचान बनाई फरीदाबाद की मजबूत आवाज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनकी एक अलग पहचान है, उनका जो स्थान है। हमारे भाई धीरज शर्मा जी रोमांतों की मौजूदा सरकार के खिलाफ अगर कोई विधायक भ्रष्टाचार के मामले में कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो हमारा भाई धीरज शर्मा जी कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत इस बात के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय चौधरी रणवीर सिंह दौतिया जी, हमारी बहन, हमारी आदरणीय बहन, बड़ी बहन शारदा राघवन जी, हमारी सीपीएस रही, विधायक रही, हमारे भाई पूर्व विधायक ललित नागर जी, भाई लखन सिंह जी, हमारे भाई संघर्ष जी साथी सुनील गौर जी, हमारे आदरणीय भूषण भगा जी, आदरणीय अब्दुल कुमार कुरैशी जी, मेरे संघर्ष के साथी भाई जगन नागर जी, राजेश खटाना जी, विवेक वर्मा जी, रिंकू चंदेला जी, विजेंद्र हवे जी, जिया शर्मा जी, बहुत ही हमारे संघर्षशील साथी गिरीश भारद्वाज जी भाई, जैसे मेरे पुराने संघर्ष के मेरे पुराने साथी भाई प्रेम जी, भाई रवि चंदेला जी, हमारी बहन झाड़ू बहन के रूप में हमारी बहन रेणु चौहान जी, हमारी बहन गजना जी, हमारे जय साहब, हमारे वीरपाल जी जो जैसे कांग्रेस पार्टी में हमारे साथ आए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरे लायक है हमारे भाई हेम दागर जी, उनका पुराने मेरे ऐसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वीरपाल जी बहुत पुराने पुराने साथी यहाँ पर आपने जो नए पुराने सारे साथियों को, तो ये हमारे मेरे बहुत पुराने साथी मेरे हेम दागर जी, विजेंद्र आर्य जी, जो कि एक मैचले साथी हैं विजेंद्र आर्य जी, जिनका भाव संघर्ष पार्टी के लिए जो विजेंद्र आर्य जी, दालचंद जी हमारे पूर्व चेयरमैन दालचंद जी, और प्रेस के बहुत से बंधु मुकेश जी और वेद राणा जी, और हमारे बड़े, क्योंकि मैंने सुमित का नाम ले लिया था, पिताजी का नहीं माता जी, उमेश जी पहले इनका लेना चाहिए था, पर आज के बालक आगे निकल रहे हैं, बालकन का पहले नाम दिया गया कि मैं गुस्सा की अपनी मेरा नाम भी हो सुमित तो अपने नाम पे ही राजी था। हमारे बहुत ही संघर्ष की छात्र हैं सुमित जी, और हमारे आदरणीय योगेश जी, हमारे गजब सिंह प्रधान जी, भाई रिंकू जी, भाई किरण पाल जी, बाल्मीकि समाज जी के खुड़ी हैं फरीदाबाद क्षेत्र की, हमारे सनी बादल जी, गुरजीत जी के रूप से जिन्होंने हजारों लोगों को बचाने का काम किया, हमारे अनिल शर्मा जी, हमारे अनिल शर्मा जी, राजेश विकास वर्मा जी, हमारे बहुत ही जो है कंवर पाल बंसल जी, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और सभी पिता तो बुजुर्ग, क्योंकि हो सकता है किसी का नाम नहीं आया हो, लेकिन सारा परिवार मैं देख रहा हूँ, और मैं खास तौर पे विशेष तौर पे जिनका ये जलपान कार्यक्रम में, जिन्होंने इस जलपान कार्यक्रम में सभी जो साथी हैं, जो ये हमारा अनुभव कांग्रेस पार्टी का परिवार, सबको आपने यहाँ पे जो एक साथ लाने का काम किया, मैं बहुत बहुत भाई वेदपाल दायमा जी, जो मेरे बहुत भाई हैं, संघर्ष के साथी हैं, और हर रूप से अभी तो बहुत अच्छी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिवर्तन की एक वेव हवा चली है प्रदेश में, मगर कभी अगर कोई उस हवा में कोई कमी भी आई होगी पुराने समय में, उस समय भी भाई वेदपाल ने जो है इनने इनकी मेहनत में और इनके साथ में उस समय भी कोई कमी नहीं रही, ये कायम नहीं जा सकता। मुख्य
जो है तो बार बार चल पड़ा, तो बार बार चल पड़ता है कार्रवाई जो चल पड़ता है तो मैं समझता हूँ कभी गलत है, मगर उस समय का भी जो साथ है ऐसा कोई साथ नहीं उगाया जा सकता। आज लंबी चौड़ी बात क्योंकि प्रेस के साथी हैं, मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक पुष्पेंद्र राजपूत जैसे प्रेस के लिए भी साथी यहाँ पे जो पत्रकारिता करते हैं वो भी हम देख रहे हैं, हमारे भाई राजेश शर्मा जी बहुत से प्रेस के यहाँ पे साथी दिखाई दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम देशपाल सरोज जी भी दिखाई दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में हरियाणा प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है खट्टर सरकार उससे लोग निराश हो चुके हैं। 9 साल में इन्होंने हरियाणा का पट्टा बिछा दिया, हरियाणा को विकास की पट्टी से उतारने का काम किया, उसका प्रतीक हर शहर में देखा जा सकता है और फरीदाबाद में फरीदाबाद के एक सड़क में इस सरकार की कार्यशैली की पहचान देखी जा सकती है। आज इन बारिशों में क्या अव्यवस्था हो रही है पूरे प्रदेश में वो आप देख सकते हैं। आज हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार कर और बेरोजगारी में देश में नंबर एक बनाने का काम बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार ने किया है और इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये लोगों ने मन बना लिया है, इसका जो है मैं समझता हूँ कि हरियाणा को आगे लेके जाने का। और आज फरीदाबाद में हम जब बहुत सी एक एक जगह गए सुबह से लेकर अब तक, हर चाय पे जहाँ चाय थी वहाँ जलपान में जहाँ कार्यक्रम था वहाँ जहाँ जलपान का नहीं था वहाँ भी अधिकार गए जी के निकले रोड पे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने निकल निकल कर मान सम्मान किया, स्वागत किया और एक ही बात कही कि आप हरियाणा में परिवर्तन फरीदाबाद को के मामले में चाहे बदरपुर में फ्लाईओवर का निर्माण हो, चाहे पहले फरीदाबाद से बदरगढ़ तक मेट्रो का निर्माण हो, चाहे फरीदाबाद से गुड़गांव तक की फोर लेन हो, चाहे इस तरफ का बाईपास के निर्माण की बात हो, चाहे ESI मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो YMCA यूनिवर्सिटी की चाहे स्थापना करने की बात हो, चाहे IMT जो पिछड़ा के अंदर IMT बनाने की बात हो, जो भी क्षेत्र में बनाने की बात हो, और चाहे मूलभूत सुविधाओं को एक एक शहर के कोने कोने में पहुंचाने की बात हो, फरीदाबाद विकास की तरफ हम लोगों ने प्रयास किया पूरी टीम एज ए टीम कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से 9 साल के बाद भी कोई एक बड़ा कार्य बताएं जो फरीदाबाद में इस सरकार ने कराया, कोई एक बड़ा कार्य बताएं। बड़े दुख होता है हमें, आज हम जाते हैं आतिगाम क्षेत्र में हम गए थे शाजापुर गांव में शहीद मनोज भाटी जी की प्रतिभा का अनावरण, सड़कों की स्थिति ऐसी है आतिगाम के आसपास और पूरे फरीदाबाद में। पहले ऐसा दिखता था कि हरियाणा विकास बहुत आगे था, यूपी पीछे था, आज यूपी में भी किसी कोने में ऐसी सड़कों की स्थिति नहीं होगी जो आज हरियाणा में फरीदाबाद में अटाली गांव से कैसे निकले सर? अटाली गांव से हमने कश्तियां मंगानी पड़ी निकलने के लिए, कहने का मतलब कैसे निकले आप तो पता है, आप तो वहां के हो कैसे क्या निकले, वो जो है जेसीबी खड़ी थी गाड़ियों को निकालने, जेसीबी खड़ी थी वो इतने झटके जितना खाया पिया सारा पचाते हुए आए वहां से, ये स्थिति हो गई और जनता त्रस्त है और ये सरकार मस्त है, ना करेंगे जनता का कोई काम केवल करेंगे अपमान, मुख्यमंत्री जी का ये नारा है, बताओ क्या करो। तो ऐसे में लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी विपक्ष को। अभी परसों हमारा दिवाली में हमारा लाखों की संख्या में लोग वहां शामिल हुआ, अंदाजा लगाइए कि लोगों में कितना गुस्सा है और मुझे विश्वास है
पिछली बार नहीं, बाकी तो हरियाणा में बदलाव हो गया था, 75 पार के नारे की हवा निकल गई थी, थोड़ा सा फरीदाबाद में कसर रह गई। फरीदाबाद में 9 सीट में से बीजेपी की आंख आ गई और एक कांग्रेस की एक ही आई हमारी पंडित जी शर्मा के रूप में। पंडित जी को जब आप विधानसभा में जाओगे तो फरीदाबाद से आपके विधानसभा में ऐसा विश्वास हमें अभी से मिला। ये